देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर होने वाली रामलीला दुनिया भर में मशहूर है। हर साल नवरात्रि से लेकर दशहरे तक लाल किले पर रंगमंच के सबसे विशिष्ट कलाकार रामलीला मंचन का हिस्सा होते हैं। रामलीला के हर पात्र को जीवंत स्वरूप में प्रस्तुत करने के लिए कलाकार रंग, कला, संस्कृति, संगीत और ज्ञान से परिपूर्ण अभिनय का ऐसा नमूना पेश करते हैं कि हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम दिग्गज लाल किले की प्राचीर के सामने होने वाली रामलीला को देखकर अभिभूत होते हैं। 40 सालों से दिल्ली के लाल किले पर ऐतिहासिक रामलीला का सिलसिला लगातार चल रहा है। अब बरेली वाले भी लाल किले की इस मशहूर रामलीला का आनंद उठाएंगे। बरेली में 26 नवंबर को दिल्ली के लाल किले की रामलीला के किरदार बरेली में जलवा बिखेरते नजर आएंगे। भगवान राम के जीवन पर आधारित राधे श्याम रामायण की रचना करने वाले कीर्तन कला निधि काव्य ग्रंथ शिरोमणि पंडित राधेश्याम कथावाचक की जयंती 25 और 26 नवंबर को बरेली में मनाई जाएगी। दो दिवसीय भव्य आयोजन में देश भर के साहित्यकार, जीवनीकार, कथाकार और रंगमंच के तमाम दिग्गज कलाकारों की महफिल बरेली में सजने जा रही है। पंडित राधेश्याम कथावाचक द्वारा रचित राधेश्याम रामायण देश में ही नहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बेहद लोकप्रिय है। पंडित राधेश्याम कथावाचक की राधेश्याम रामायण की तर्ज और दिल्ली के लाल किले की रामलीला के किरदारों का अभूतपूर्व संगम बरेली में जीआईसी ग्राउंड के स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में देखने को मिलेगा। बरेली के बिहारीपुर में जन्मे पंडित राधेश्याम कथावाचक ने महर्षि वाल्मीकि की रचित वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस की तरह ही राधेश्याम रामायण की रचना की और भगवान श्री राम के जीवन चरित्र की लीलाओं को शब्दों के जाल में पिरोया। भारत ही नहीं तमाम दूसरे देशों में आज भी जो रामलीलाओं का मंचन होता है वह राधेश्याम रामायण की तर्ज और आधार पर ही किया जाता है। पंडित राधेश्याम कथावाचक ने राधेश्याम रामायण ग्रंथ में अलग तर्ज और राग विधि पर रामायण के चरित्रों को दर्शाते हुए गहरा आध्यात्मिक संदेश दिया है। सरल शब्दों में भगवान राम के चरित्र और उनके संपूर्ण जीवन की कलाओं को शब्दों और संगीत की तर्ज में उकेर कर दुनिया के सामने रखा है। अपनी मनमोहक तर्ज पर जब पंडित जी राम कथा सुनाते थे तो दूर दूर से लोग उन्हें सुनने को पहुँचते थे। देश ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी पंडित राधेश्याम जी की काव्य कलाओं का डंका बजता था। 25 नवंबर 1890 को बरेली के बिहारीपुर में जन्मे पंडित राधेश्याम कथावाचक 26 अगस्त 1963 को नश्वर शरीर छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। पंडित जी के साथ ही उनके सुमधुर कंठ वाले राधेश्याम रामायण के स्वर भी पंचतत्व में विलीन हो गए। राधेश्याम रामायण की तर्ज आज भी देश भर की रामलीलाओं में पंडित राधेश्याम कथावाचक को जीवित करती है। राधेश्याम रामायण की वजह से ही बरेली को पंडित राधेश्याम कथावाचक ने देश ही नहीं दुनिया भर में साहित्यिक पहचान दिलाई। इन्हीं काव्य ग्रंथ रचयिता कीर्तन कला निधि और काव्य शिरोमणि पंडित राधेश्याम कथावाचक की 61वीं जयंती पर इस बार 25 और 26 नवंबर को बरेली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बरेली में हर साल पंडित जी के चाहने वाले उनकी याद में समारोह का आयोजन करते हैं। इस बार बरेली के जीआईसी ग्राउंड स्थित स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में दो दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में बरेली ही नहीं दूसरे तमाम शहरों से भी साहित्यकार, जीवनीकार और पंडित जी की प्रेरणा से रामायण पर अध्ययन करने वाली महान विभूतियां बरेली पहुंच रही हैं। इस बार पंडित राधेश्याम स्मृति समारोह के मौके पर दिल्ली की रामलीला के कलाकार बरेली के लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। दिल्ली की रामलीला को देखने के लिए देश भर से हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। रामलीला के कलाकारों की नाट्य शैली इतनी अद्भुत होती है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या सोनिया गांधी या फिर फिल्मी दुनिया के मशहूर सितारे हों, हर कोई इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता है। देश के दिग्गज हर साल रामलीला का उद्घाटन करने पहुँचते हैं और रावण वध के साथ मेले के समापन समारोह में तमाम मशहूर हस्तियों का जमावड़ा लगता है। रामलीला के यही कलाकार बरेली में 26 नवंबर को रामलीला की अनूठी छटा बिखेरने आ रहे हैं। पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति समारोह के मौके पर दिल्ली की रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट प्रोडक्शन के कलाकार बरेली में 26 नवंबर को रामलीला का मंचन करेंगे। रामलीला कलाकार मंडली के प्रमुख राकेश रत्नाकर ने बताया कि रंगकर्मियों की 20 सदस्यीय टीम बरेली में रामलीला के प्रसंग को जीवंत करने का प्रयास करेगी। राधेश्याम जयंती के मौके पर धनुष यज्ञ प्रसंग का मंचन किया जाएगा। रामलीला के इस प्रसंग का संवाद साहित्य राधेश्याम रामायण से लिया गया है और चौपाइयां रामचरितमानस की हैं। बरेली में रामलीला का मंचन करने वाले यह कलाकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रामलीला मंचन कर चुके हैं। लाल किले से लेकर रामलीला मैदान और प्रगति मैदान समेत दिल्ली ही नहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी रामलीला की यह मंडली अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी है।